को खोल दूं। सभी स्टूडेंट हैं, सभी काम करने वाले हैं, सभी सियासत के स्टूडेंट हैं। और रियासते मदीना का चैप्टर ये कहता है कि जिस महफिल में जाओ वही तुम्हारे सामने होने चाहिए। रियासते मदीना का एक चैप्टर ये कहता है कि एक तरफ अबू बकर सिद्दीक अगर धीमे मजाज के रहनुमा बनते हैं तो उसके बाद एक सख्त मिजाज का एडमिनिस्ट्रेटर उमर फारूक दुनिया देखती है, फिर दुनिया कहती है कि फिर धीमा मिजाज लेके अगर उस्मान गनी आता है तो फिर दुनिया ने देखा कि फिर एक सख्त मिजाज का एडमिनिस्ट्रेटर हजरत अली आते हैं। तो सामने सबकार यहीं पे मैं आपको मौसू देने लगा हूं कि मेरे सरदार अब्दुल हमीद नकई एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटर मगर धीमे मिजाज के, मेरे सरदार मोहम्मद आरिफ नकई एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटर लेकिन दबंग अंदाज के। मैंने चार खुल्फा गिनवाए कि पहले धीमे अंदाज की फिर सख्त अंदाज की जरूरत पेश आया करती है। एक हफ्ता पहले अगर धीमे मिजाज की खूबियां सामने आ जाए, जो कि वहां भी हमारे मुकर्रर फाइनल सरदार तालिब हसन नकई होते हैं, यहां भी उन्होंने होना था, मैं चाहता कि उनकी जगह या वो या कोई और सरदार अब्दुल हमीद नकई की 40 साल पे मोहित पार्लिमानी सियासत के आता करते, एक शोहरत के आसमान को छूने के बाद अपने आखिरी 12 साल गुमनामी में गुजारते हैं।